हे वेलकम टू एफएस एंटरटेनमेंट। हम है ग्रैंड रोड पे, हमारे साथ है वसीम भाई, उनके लड़के अफ़ान, और आपका नाम क्या बोले? हंजला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आज क्या देख रहे हैं आप भाई? ये हंसा बकरा है अपना, बाबर नाम है इसका। बाबर जी, और एकदम समझो लाड़ में भाई, घर में ही पला हुआ है माशाल्लाह, घर से है ना, बाहर नहीं निकलता ये। इसको आज समझो अपनी शूटिंग के लिए इसको निकाले हैं भाई। माशाल्लाह बहुत प्यारा दिख रहा है, जितने लाड़ से प्यारे हैं पाले है ना आपने, वो दिख रहा है उसके अंदर जी। ये बहुत खूबसूरत है बच्चा, थोड़ा छोड़ दीजिए ना उसको। कितने दांत पे ये भाई? ये 6 दांत पे है। संभालो 6 दांत पे है। और क्या वजन पे होगा ये भाई? ये 95+ है। हाँ, 94 से 95 है समझो, 90+ ही आएगा भाई, लेकिन अपन कैसा उसको 95 बोलेंगे। माशाल्लाह 95, 6 दांत के ऊपर। हाँ। बहुत प्यारी इसमें नस्ल है, और पफ है पूरा माशाल्लाह भाई, पफ बहुत खूबसूरत है, और आगे का भी आप देखेंगे सीना वीना सब बहुत प्यारा है। तो क्या इसको सेल कर रहे हैं? हाँ भाई, इसको सेल कर। क्या प्राइस आप कोट कर रहे हैं इसका भाई? इसका 165 तक का अपन कोट कर रहे हैं। 165 जी। इतना क्यों भाई? ये नस्ल भी वैसी है, और दूसरा कैसा कि जानवर भी आप देख लो, खूबसूरत है, सब कुछ है इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है। अच्छा, अभी छोड़ दीजिए, थोड़ा एक्टिव भी है, छोड़ दीजिए उसको, चलने दीजिए। माशाल्लाह बहुत प्यारा बच्चा है। और ये आपको किसी को लेना है तो ये कहाँ पे आना पड़ेगा भाई? ये ग्रैंड रोड पे आके शुक्ला जी स्ट्रीट जी। और कुछ लैंडमार्क यहाँ पे नजदीक? लैंडमार्क भाई ये बिलाल मस्जिद है। बिलाल मस्जिद है, ये फेमस मस्जिद है। ओके, शुक्ला जी स्ट्रीट पे, या किसी से भी अगर ग्रैंड रोड पे आके शुक्ला जी स्ट्रीट पूछेंगे जी, वहाँ बिलाल मस्जिद पूछेंगे तो कोई भी बता देगा। अच्छा, और उधर ही मेरा घर है समझे, 2 मिनट की दूरी पे मेरा घर है, मेरे को अगर कॉल करेंगे तो मैं आ जाऊंगा। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ये जो ब्रीड है एक्चुअल में, इससे आपने ये भी लिए, इससे आपने ब्रीडिंग भी किए हुए? जी हाँ भाई, ब्रीडिंग भी है, इसके बच्चे भी अपने पास। इसका रिजल्ट भी अच्छा, मतलब कोई फार्म वाला भी अगर लेता है कि भाई उसको ये करना है, ब्रीडिंग करवाना है ब्रीडिंग पर्पस के लिए, तो वो उसके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ अच्छा है भाई। इसका रिजल्ट भी आपके पास है राइट? जी जी, जो भी क्लाइंट रहेगा उसको भी आप बता सकते हो ना रिजल्ट? तो जिसको अगर चाहिए, बच्चे भी चाहिए, तो अगर मेरे को बोले तो उनका वीडियो और जो भी है उनका मैं बता सकता हूँ। इसका रिजल्ट भी कुछ लोग मांगते हैं, इसका प्रूफ क्या है, रिजल्ट अच्छा है, तो आप उसके लिए भी तो बता सकते हो ना बच्चे कैसे है उसके। इनफैक्ट ये उसी का एक बच्चा है जी, जी। मालवा फीमेल थी जैसा आप बता रहे थे। हाँ, मालवा फीमेल, इसके लिए थोड़ा सा लुक मालवे में आया हुआ है जी। माशाल्लाह इसको भी फर पूरा फरी आया है। इसका नाम क्या रखे आपने? इसका नाम प्रिंस है भाई। ये प्रिंस है जी, ये बाबर और ये प्रिंस माशाल्लाह। और ये अदंत है अभी? हाँ भाई, ये अदंत है। और इसकी डिटेल क्या है? इसका भाई ये समझो 48 से 50 केजी पे है। 48 to 50 kg जी, 48 से 50 kg पे है। और अभी इसके दांत भी है, लेकिन इसका कैसे उम्र है ना भाई, हो चुकी है इसकी उम्र, हो चुकी है, दांत हो जाएगा मतलब। हाँ, यानी मेरे पास है ना इसके वीडियो वगैरह सब है, तो जब ये हुआ था तो उसका मैं वीडियो निकाल लिया था, और फोटो वगैरह सब है। कुर्बानी, इसकी कुर्बानी हो सकती है मतलब? हाँ, ईद तक के दांत हो जाएंगे भाई? दांत तो ईद तक का इसके नहीं हो पाएंगे, क्योंकि ईद के भी मेरे को ऐसा लगता है जो हिसाब से दांत है, तो ईद के भी 3-4 महीने बाद होंगे। अच्छा, क्योंकि दांत देखिए, जबकि ये 1 साल के करीब का हो गया है, रमजान में हुआ था, 1 साल का हो गया है ये। अच्छा, इसके फोटो वगैरह सब है मेरे पास, जब ये हुआ था उसका फोटो वीडियो सब है मेरे पास। अगर कोई भाई को कुर्बानी के लिए चाहिए तो भी ले सकता है, या तो 1 साल हो गया है जैसा बता रहे हो, तो वो पूछ के अपने मसलक से इससे मुसल्ले से पूछ के भाई कर सकते हो कुर्बानी। हाँ, कर सकते है। और इसको अगर पलटी के लिए भी रखे ना भाई, तो भी बड़ा अच्छा बच्चा है। हाँ, बहुत फरी है। और इसके अंदर गेटअप आएगा, अभी तो इसके समझो इतनी उम्र नहीं है, उम्र होगी 4-6 दांत पे जाएगा तो और बेहतरीन हो जाएगा। बहुत प्यारा है, मालवे से क्रॉस किया हुआ है। आपके पास जो घर में ब्रीड है फिर वो सारे सब हंसा है? सब हंसा। हाँ, मेरे पास एक हंसा फीमेल भी है। हाँ, तो वो मैं यहाँ लाया नहीं, क्योंकि उसको सेल नहीं करना था इसके लिए, और क्या प्रेग्नेंट गाबन है इससे। अच्छा अच्छा अच्छा, उसके ऑलरेडी 3 बच्चे है अपने पास, वो भी नहीं बेचने जी। उसमें से कैसा अगर किसी को चाहिए तो हम दे सकते हैं, लेकिन आप व्हाट्सएप पे जो भी आपको कॉन्टेक्ट करेगा उससे आप मंगवा ले, आपसे मंगवा सकते हैं। 4-4 महीने के है, 4-4 महीने अभी तो दूध पे, मतलब अभी भी दूध खुला होगा उनका। हाँ, दूध छोड़ दिए, खाते पीते सब है भाई, अनाज वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह उठाते हैं। अच्छा माशाल्लाह। और ट्रांसपोर्ट का कैसा रहेगा आपका, अगर कोई बाहर वाला लेना चाहे तो? बाहर वाला लेना चाहे तो ट्रांसपोर्ट भी कर देंगे। संभालो, बहुत बुरी सींग मार रहा है अभी ये।
और ट्रांसपोर्ट उसका रहेगा सामने वाले का, उसमें इंक्लूड रहेगा, और जो अपने प्राइस बोले उसमें नेगोशिएट हो जाएगा कुछ? हाँ, वो बाबर के उसमें थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर देंगे भाई, जैसे लेकिन कैसा एकदम नहीं, क्योंकि वो चीज वैसी है माशाल्लाह, बहुत प्यारी चीज है, पूरा गुलाबी ऑलरेडी कैसा, जैसे मैंने साफ सही बोला भाई, लेकिन फिर भी कैसा अगर कोई चाहे तो उसमें भी अपन थोड़ा बहुत नेगोशिएबल कर देंगे भाई। और तीसरा बच्चा जो है वो लेके आइए ना, क्या है ये? हैदराबादी, एक हैदराबादी, आपके हैदराबादी फीमेल भी है? हाँ भाई, हैदराबाद ऐसे शौक में लिया था भाई, लेकिन सिर्फ एक बच्चा लिए थे, फीमेल भी आपको? फीमेल के साथ में थी भाई। अच्छा। लेकिन फिर बाद में फीमेल को हटा दिया मैं। हाँ। वो हिट पे आ गई थी और मेरे पास जोड़ के लिए बकरे नहीं थे। अच्छा। अभी इसका भी वही रीजन है, इसके लिए भी भाई मेरे को फिर वो हैदराबादी लेना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या मैं इसको भी सेल कर रहा हूँ, क्योंकि हंसा का सेटअप अपना जमा जमा है, तो उसमें हैदराबादी नहीं जम पा रहा है। तो ये 4 महीने कितने? 4 महीने के। बहुत छोटा बच्चा है लेकिन बहुत प्यारा है, क्वालिटी के अंदर है। इसका क्या आप कोट कर रहे हो? इसका हैदराबादी का, हैदराबादी का 21,000 रुपये, 21,000 स्लाइटली नेगोशिएबल, स्लाइटली हर किसी में थोड़ा बहुत नेगोशिएट हो सकता है। इसका समझो 32,000 रुपया, इसका 32,000 इसका मालवे का, मालवे का 32,000। हाँ हाँ, ये बहुत फरी है बच्चा, फरी भी है, बहुत प्लेफुल है भाई, अभी आप तो वीडियो बना रहे देख रही हूँ। नहीं नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है, एक्टिव है। दूसरा, आपको किस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अगर कोई कांटेक्ट करना चाहे तो आप नंबर दीजिए, 8696198989393585858। ओके, ये इस पे मेरा व्हाट्सअप भी है और यही नंबर है, व्हाट्सअप पे ज्यादा बेटर रहेगा, या तो फिर कोई आके सामने से देख लेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कभी बिजी रहता है। और भाई एक रिक्वेस्ट है आने का, जो जिसको भी देखने आने का रहना तो मेरे को फोन कर देना, क्योंकि क्या घर में बच्चा रहता है तो मेरे को थोड़ा फैमिली को अपने थोड़ा हटाना बचाना पड़ता है। अच्छा अच्छा, इसके लिए घर में आप पालते हो? जी जी, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। जिस किसी को भी चाहिए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और आने से पहले एक बार कॉल कीजिए वसीम भाई को, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम।